सो हेलो फ्रेंड, मैं वसीम और आप देख रहे हैं हमारे टेक्निकल नसीब यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से और एक कमाल का ट्रिक लेकर आ चुका हूँ। जैसा आपने थंबनेल में देखे हैं कि मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को आज ये सिखाऊंगा, ये बताऊंगा कि आपको काइंड मास्टर में एडिट करना सिखाऊंगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि काइंड मास्टर एडिटिंग का पहला स्टेप है ये, क्योंकि आजकल आप अगर वीडियो बनाते हैं, कोई भी वीडियो बना लीजिए, आप क्या कर सकते हैं, उसमें एडिट करना बहुत जरूरी हो जाता है। एडिट कैसे करना है, किस तरह से करेंगे और कौन सी जगह से करेंगे, सबसे बेटर रहता है, मैं आपको वही चीज दिखाऊंगा। तो आजकल की अगर बात की जाए, काइंड मास्टर सबसे बेटर एप्लीकेशन है एडिट करने में, सबसे आसान है, सबसे हेल्पफुल भी होता है। उसमें थोड़ी सी काम करते हैं, थोड़ी सी एडिट करते हैं तो हो जाता है ना। तो आपको मैं सिखाऊंगा काइंड मास्टर का पार्ट वन, काइंड मास्टर में एडिट कैसे किया जाता है। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा, कुछ स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या क्या करेंगे तो आप अपना वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बाजू में बटन दिखाई दे रहा होगा बेल का, उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाला ऐसा वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे सबसे पास। इसी तरह का आपके पास और भी नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि आपको मैं पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर करके इस तरह बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप अगर ये एडिटिंग सीखना चाहते हैं, अच्छा खासा एडिट करना चाहते हैं, एडिटिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के घंटी को भी बजा कर रखिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने काइंड मास्टर से एडिट कैसे कर सकते हैं, अच्छा खासा एडिट कर सकते हैं काइंड मास्टर से, तो मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका नाम है काइंड मास्टर। तो आप प्ले स्टोर में जाके भी उस जगह में मिल जाएगा, या फिर आप ये कर सकते हैं, आपको उस जगह में से कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर दिक्कत हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जब भी डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको ओपन कर लेना है। ओपन जब भी करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। होने के बाद आपको करना क्या होगा, इस जगह मुझे प्लस वाला सिंबल दिखा दे रहे होंगे, इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद इस जगह में सिलेक्ट एस्पेक्ट रेडियो को सिलेक्ट कर लेना है 16:9, सो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब होने के बाद आपको जो करना होगा, आप जिस वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, जिस वीडियो में इफेक्ट डालना चाहते हैं, जिस वीडियो में साउंड लगाना चाहते हैं, उस वीडियो को क्या करना होगा, इस जगह में इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, इस जगह में जो मीडिया वाला ऑप्शन है, तो मीडिया वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप जिस वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो ले लेता हूँ, उस वीडियो को मैं एडिट करूँगा, ठीक है। तो एक वीडियो, एक समझाने के तौर पर एक वीडियो ले लेता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं इस वीडियो को ले लिया। इस वीडियो को क्या करना है, मेरे को एडिट करना है, एडिट करके दिखाऊंगा कि इस वीडियो को कैसे एडिट किया जाता है। तो आप इस वीडियो में एडिट क्या करेंगे, एडिट ये करेंगे कि वीडियो बनाते वक्त कुछ गलत हुआ है तो उसको कटिंग करना है, इसमें इफेक्ट डालना है, इसको एनिमेशन डालना होगा, इसमें आप क्या करेंगे, साउंड म्यूजिक साउंड लगाएंगे, बस इतना ही करेंगे। तो मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगा, तो आप क्या करेंगे कि आप किस प्रकार से वे सब कर सकते हैं। तो मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये वीडियो इंपोर्ट कर लेने के बाद, जैसे कि मान लेते हैं ये वीडियो बनाते वक्त कुछ गलत हुआ पहले में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको कटिंग करना है। इस जगह में जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है, इसका कहता है टाइम लाइन, ठीक है। इसमें टाइम लाइन में क्या कर सकते हैं, जितना तक सिलेक्ट करेंगे उतना तक इसको कटिंग कर सकते हैं, या फिर उसमें एनिमेशन लगा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं उस टाइम लाइन में, ठीक है। तो आपको जैसे कि मान लेते हैं सबसे पहले इस वीडियो को कटिंग करना है, इस वीडियो पहले तक गलत हुआ है, शूटिंग करते वक्त गलत हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद इस जगह में कांचे वाला जो बटन है, इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद इस जगह में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, स्प्लिट एट प्ले हेड, एक्स्ट्रा ऑडियो। तो आपको करना क्या होगा, इस तरह को काटने के लिए, यानी कि बाएं तरफ को काटने के लिए आपको ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड में क्लिक कर देना है। जब भी इसमें क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं इस जगह में बाएं तरफ कट चुका है। अब मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगा कि लास्ट में, मान लेते हैं लास्ट में वीडियो बनाते वक्त लास्ट में गलत हुआ है, तो लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट को काटेंगे, ठीक है। तो लास्ट को काट कर दिखा देते हैं इस तरह, ठीक है। मान लेते हैं इस तरह हुआ है, इस तरह, तो लास्ट में गलत हुआ है, तो लास्ट में क्या करना है, इसमें क्लिक कर देना है वीडियो के लेयर में। वीडियो के लेयर में क्लिक करने के बाद कांचे वाला बटन में क्लिक करके आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड में क्लिक कर देना है। कटिंग हो चुका है। अब मान लेते हैं इस वीडियो बनाते वक्त बीच में कोई गलत हुआ है, बीच में बनाते वक्त कुछ गलत सलत बोल दिया, ऐसा भी हो सकता है, तो वही चीज़ को क्या करना है, आपको डिलीट करना है। तो आपको करना क्या होगा, बीच में क्या करना है, क्लिक कर देना है वीडियो के लेयर में। लेयर में क्लिक कर देने के बाद फिर से कांचे वाला बटन में जाकर इस जगह में स्प्लिट एट प्लेहेड वाला बटन में क्लिक कर देना है। और जब भी क्लिक करोगे तो इस जगह में देख सकते हैं वीडियो दो पार्टों में बट चुका है, दो भागों में बांट चुका है। तो दो भागों में बांटने के बाद मान लेते हैं इस तरफ गलत हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो चलिए इस तरफ क्या करते हैं, इस जगह में सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, कांचे वाला बटन में जाकर ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड में क्लिक कर देना है। फिर से कटिंग हो चुका है। तो आप शायद समझ चुका है कटिंग कैसे कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि मान लेते हैं इस वीडियो को बनाते वक्त आप ऑडियो दिए हैं, यानी कि कुछ बोले हैं, जो कुछ भी बोले हैं, क्या करना है, आप चाहते हैं कि उस वीडियो को लेयर को, यानी कि ऑडियो को लेयर का अलग करेंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद कांचे वाला बटन में क्लिक करके इस जगह में देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको नीचे में देख सकते हैं और एक लेयर
तैयार हो चुका है, तो वो लेयर है कि आपका साउंड का, ये लेयर है साउंड का, ठीक है। इसका साउंड क्या कर सकते हैं, आप बढ़ा भी सकते हैं इस जगह में, घटा भी सकते हैं, ठीक है। ये है आपका साउंड, ओरिजिनल साउंड यानी वीडियो में जो बोले हैं उसका अलग पार्ट का एक ऑडियो लेयर तैयार हो चुका है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा आपको स्लो मोशन। आप वीडियो बनाते वक्त आप चाहते हैं कि इस वीडियो को स्लो मोशन करना, तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ तक पूरा टक क्या करेंगे, स्लो मोशन करेंगे, ठीक है। स्लो मोशन करने के लिए आपको करना क्या होगा, स्लो मोशन करने के लिए आपको इस वीडियो को लेयर में क्लिक कर देना है। लेयर में क्लिक कर देने के बाद इस जगह में जो स्पीड कंट्रोल वाला ऑप्शन है इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप कितना स्लो करना चाहते हैं वीडियो को, जैसे कि मान लेते हैं इस तरह यहाँ तक स्लो करना चाहता हूँ, तो इसमें क्लिक कर देना है। अब वीडियो को एक बार प्ले करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो को कि नॉर्मली कैसा रहता है, नॉर्मली चला कर देख लेते हैं। ये होता है नॉर्मली चल रहा है। अब इसको क्या करें, स्लो मोशन करेंगे। स्लो मोशन करने के लिए इसमें क्लिक कर देना है, क्लिक कर देना स्पीड वाला स्पीड कंट्रोल में जाकर इसको क्या करना है, इस साइड से 0.25 गुना कर देना है, ठीक है। इसमें क्लिक करेंगे, अब इस वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। देख सकते हैं कितना स्लो हो चुका है। अब वही वीडियो को आप क्या करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, तो फास्ट करने के लिए सेम प्रोसेस आप इस वीडियो को लेयर में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद स्पीड कंट्रोल में क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद इसको इस साइड में दाएं तरफ ला जाना है। अब कितना गुना करना चाहते हैं, अब जितना भी चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 3 गुना फास्ट करूँ, तो 3 गुना में क्या करना है, इसमें ट्रेट कर देना है। उसके बाद वीडियो को एक बार प्ले करके देख लेते हैं। देखिए इतना फास्ट हुआ है कि ठीक से चल नहीं पा रहे हैं ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से स्लो मोशन और या क्या कर सकते हैं आप फास्ट मोशन भी कर सकते हैं। अब मैं और चीज़ दिखाऊंगा कि आप वीडियो के ऊपर वीडियो कैसे लगा सकते हैं। वीडियो के ऊपर वीडियो लगाने के लिए क्या करना होगा, इस जगह में जो लेयर वाला ऑप्शन है, लेयर वाला ऑप्शन में जाके आप मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद आप कोई भी वीडियो को क्या कर सकते हैं, इस जगह में लगा सकते हैं। जैसे कि मैं और एक वीडियो ले लेता हूँ, इस वीडियो को क्या करना है, लगाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को इस जगह में इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस जगह में इसमें तीर वाला बटन में क्लिक करके छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो मान लेते इतना तक किया, इस जगह में क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को चला सकते हैं, वीडियो के ऊपर वीडियो रख सकते हैं, ठीक है। इस जगह में प्लग करके देख लेते हैं, इस जगह में देख रहे हैं वो भी वीडियो प्ले हो रहा है, ये भी वीडियो प्ले हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से वीडियो के ऊपर वीडियो लगा सकते हैं। अब मैं दिखाऊंगा कि आप वीडियो के ऊपर लिखेंगे कैसे, टेक्स्ट लिखेंगे कैसे, टेक्स्ट कैसे लिखना है, आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे। तो लेयर वाला बटन में क्लिक कर देना है। लेयर वाला बटन में क्लिक कर देने के बाद टेक्स्ट वाला बटन में क्लिक कर देना है। टेक्स्ट वाला बटन में क्लिक कर देने के बाद जैसे कि मैंने कुछ लिख देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, THANKS फॉर वॉचिंग, WATCHING, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्या करूँगा, मैं आपको वीडियो के ऊपर लिखूँगा कितना तक लिखना है, कितना बड़ा करना है। आप इस जगह में तीर से हटा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस जगह में रख देना है। रख देने के बाद मैं आपको क्या करूँगा, इस वीडियो को लेयर को यानी कि इस टेक्स्ट को क्या करूँगा, बाएँ तरफ से दाएँ तरफ, यानी कि मैं क्या करूँगा, इस लेयर को, इस जो टेक्स्ट वाला लेयर है इसको चलाऊँगा। तो चलाने के लिए क्या करना होगा, इस जगह में इस लेयर में क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको नीचे में जाना होगा, नीचे में एक बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेना है। बैकग्राउंड कलर को क्या करना है, ब्लैक कर लेना है, सबसे बेटर लगता है। तो इसको फुल बैकग्राउंड कर लेते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा। इस जगह में देख रहे हैं दिखने में अच्छा लग रहा है। तो और ये भी कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, दिखने में अच्छा लग रहा है तो आप ये कर सकते हैं, इस वीडियो को यानी कि इस लेयर को, इस टेक्स्ट को बाएं तरफ से दाएं तरफ यानी कि चलेगा, इस साइड से इस तरह जाएगा, किस तरह से जाता है मैं वही चीज़ दिखाऊंगा। तो जाने के लिए आपको करना क्या होगा, इस वाला बटन में क्लिक कर देना है, यानी इस लेयर पर क्लिक कर देना है। टेक्स्ट वाला लेयर में क्लिक कर देना है, इस चाबी वाला जो बटन है, सबसे पहले क्या करना है, उसको लेयर को इस कोने में रख देना है। इतना तक रखना है कि आप इस लेयर को हटा सकें, ठीक है, इस पोजिशन में रख देना है। रखने के बाद इस जगह में चाबी वाला बटन में क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको जो करना होगा, क्लिक कर देने के बाद इस जगह में इसको ला लेना है, हटा देना है। हटाने के बाद इसको क्या करना होगा, इस पोजीशन में जाके छोड़ देना है। अब इसको क्या करेंगे, ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको प्ले करके देख लेते हैं। इस जगह में देख रहे हैं लिखा भी क्या कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से टेक्स्ट लगा सकते हैं। इसको भी क्या कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, और भी स्लो करके जाएगा, अभी ये भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी प्ले करके देख लेते हैं। देखिए लिखे इतना स्लो जा रहा है, और भी स्लो कर सकते हैं आप, जितना चाहे आप क्या कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। स्लो करने के लिए आपको क्या करना, जूम कर देना है, और अगर फास्ट करना चाहते हैं तो उसको जूम आउट कर देना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप अपने लिखा को, टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, इस साइड से इस तरफ ला सकते हैं, यानी कि वीडियो पर दिखने में अच्छा लगता है। मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊंगा कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगा सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, इस जगह में जो म्यूजिक ऑडियो वाला ऑप्शन है, ऑडियो वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद इस जगह में आपके सामने बहुत तरह का म्यूजिक आ जाएगा।
अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, म्यूजिक एसेट में जाके आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे में जाना है, इस जगह में जो म्यूजिक एसेट है इसमें जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा डाउनलोड किया हुआ है, तो मेरा मैं क्या करूँगा, इसको लगाऊंगा। तो मान लेते हैं इसी ऑडियो को लगाएंगे, तो ऑडियो लगाने के लिए इसे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद जो प्लस वाला ये सिंबल है, प्लस वाला सिंबल में क्लिक कर देना है। इस जगह में देख सकते हैं विनर्स वाला जो ऑडियो लेयर है इस बन चुका है। अब इसको हटा भी सकते हैं पहले से देना चाहते हैं। और बैकग्राउंड म्यूजिक का साउंड कितना होना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का साउंड कितना होना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का साउंड क्या होना है, इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको साउंड में क्लिक कर देना है, यानी कि वॉल्यूम में। वॉल्यूम को इस जगह में क्या करना है, 25 के अंदर रखना है, ताकि आपका बातें भी अच्छे से सुन सके और धीरे धीरे क्या होगा कि आपका म्यूजिक भी बजेगा तो सुनने में भी अच्छा लगेगा। और अगर पूरा कर देंगे पूरा साउंड और आपका बातें भी, आप कुछ भी बोलेंगे तो वो भी सुनाई नहीं देगा अच्छे से और म्यूजिक भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, कलर कैसे चेंज करेंगे, किसी भी चीज़ का क्या करेंगे, आपने वीडियो का कलर कैसे चेंज करना है। अब अपने वीडियो का कलर कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि कलर ठीक नहीं लग रहा है आपको, तो आपको क्या करना होगा, वीडियो लेयर में क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद कलर फिल्टर में क्लिक कर देना है। कलर फिल्टर में जाकर आप किसी भी कलर को कर सकते हैं। इस जगह में बहुत सारा कलर दिया हुआ है, तो आप जो आपको पसंद आए, जो अच्छा लगे, आप उस कलर को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी जगह से कलर को चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, इस जगह में जो सफ़ेद वाला बटन दिखा दे रहे होंगे, इसको क्या होता है, ट्रांजिशन। इसमें क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक एनिमेशन आएगा। तो इस जगह में बहुत सारा एनिमेशन मेरा डाउनलोड किया हुआ है। आपके पास बेसिक कुछ एनिमेशन होगा तो आप वो भी लगा सकते हैं, और अच्छा खासा एनिमेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं इसी को जूम इन एंड जूम आउट, ठीक है। इस एनिमेशन लगाने के बाद कैसे दिख रहे हैं, यहाँ से इस जगह में एनिमेशन लगाएंगे तो ट्रांजिशन लगाएंगे तो दिखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस जगह में क्लिक करके आप ट्रांजिशन को लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप ये भी कर सकते हैं, और बहुत सारा मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, चलिए और एक बार देख लेते हैं। देखिए एक पार्ट से और एक पार्ट आने में क्या होता है, दिखने में अच्छा लगता है, ट्रांजिशन आ जाता है। आप ये भी कर सकते हैं, इस जगह में आपके पास अगर ट्रांजिशन नहीं है तो आप सिंपल सा काम करना होगा। ट्रांजिशन में क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इस जगह में नीचे में जाना है। नीचे में जाने के बाद गेट मोर में जाकर आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारा का ट्रांजिशन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप शायद समझ चुके होंगे, बेसिक चीज़ें मैं आपको दिखा दिया कि आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं। आपके पास इतना सारा है तो आप भी क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा एडिट कर सकते हैं। मैं आपको और भी बहुत सारा कुछ चीज़ सिखाने वाला हूँ। ऐसे में वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा बन चुका है, तो मैं आपको और भी एक पार्ट बनाऊंगा, यानी कि 4-5 पार्ट बनाने वाला हूँ वीडियो एडिटिंग का। आप अच्छा खासा वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो आप अगर इसी तरह का आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल का घंटी को भी बजा के रखें, ताकि आपका इसी तरह का जो वीडियो एडिटिंग है आपको मिस ना हो। तो चलिए मैं आपको बता दिया आप किस प्रकार से आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या होगा, जब भी एडिट कंप्लीट हो जाता है, होने के बाद आपको इस जगह में जो शेयर वाला बटन दिखा रहा है इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद इस जगह में आप कितना MB रखना चाहते हैं, कितना मेगापिक्सल रखना चाहते हैं, इस जगह में 720p है, 1080 है, तो 720 में करेंगे तो आप कितना करना चाहते हैं, कितना MB का बनाना चाहते हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इस जगह में एक्सपोर्ट वाला बटन में क्लिक कर देना है, और जब भी करेंगे तो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप शायद समझ चुके होंगे कि आप किस तरह से आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। समझ चुके होंगे कि आप किस तरह से एडिट करेंगे, क्या क्या करेंगे, काइन मास्टर के अंदर कितना सारा फीचर भरा हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता दिया आज, लेकिन अगले बार से मैं आपको और भी कोशिश करूंगा, और भी अच्छा खासा चीज सिखाऊंगा दूसरा पार्ट में। ये पार्ट बहुत ही बड़ा हो गया, ऐसे ही बहुत बड़ा हो गया, तो मैं आपको सिखाऊंगा अगला वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा छोटी छोटी पार्ट बनाने का, और ये आप पर डिपेंड करता है, आप लोगों के ऊपर, आप कितना बड़ा वीडियो चाहते हैं, कितना सीखना चाहते हैं। आप अगर जैसा कमेंट करेंगे मैं वैसा ही बढ़ाऊंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजा देना। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।